अस्सलाम वालेकुम बेटा। यार आज हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, तो उसका टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट कैसे बनते हैं। तो आज देखिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, N3 होगा। देखिए बेटा यहाँ से ये H इसके साथ मिल जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये हमारे पास CH3COOH तो हमारे पास है NH4 आ जाएगा। ठीक है, ये अमोनियम साल्ट बनता है। कौन सा बनता है? अमोनियम साल्ट। अब देखिए जब ये अमोनियम साल्ट बनता है तो इसको हीट करते हैं, अमोनियम साल्ट। जब हम बेटा इसको अमोनियम साल्ट को हीट करते हैं तो यहाँ से देखिए NH4 है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, ये ऑक्सीजन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। यानी इसको हीट करने से हमारे पास इम्बाइट हासिल हुआ और साथ वाटर जो है वो रिलीज हुआ। असल में दरअसल इसका जो रिएक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, ये मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म बड़ा इस तरह होता है, ये देखिए हमारे पास है, ये मैं इसी को जो है CH3COOH है, मैं इसी को दोबारा जो है वो लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ से मैं देखो बड़ा ये CH3COOH है, OH हमारे पास, ये Na3 है, अमोनिया है। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें, ये CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये Na3 है। बड़े याद होगा आप लोगों को, हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है इसके साथ ऑक्सीजन भी है, दो ऑक्सीजन मौजूद है और ये दोनों ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली ऑक्सीजन भी और ये वाली भी ऑक्सीजन भी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को, ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो कार्बन पर पार लेकर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन के पास ज्यादा चले जाते हैं। अब ये क्या करता है, फौरन इसकी मदद को, ये जो है नाइट्रोजन जो है इसकी मदद को पहुंचता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है। जब ये नाइट्रोजन इसकी मदद को पहुंचता है तो यहाँ पर आकर नाइट्रोजन जो है इसी के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये Na3 होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन आया था यहाँ पे डोनर के तौर पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये ऑक्सीजन जो है इसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आगे देखना नेक्स्ट। अब ये जो होता है यहाँ पर है, देखिए ये जो अपना ये नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ये क्या करता है, मैं इसी को यूं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं कहता हूँ ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, तीन नाइट्रोजन है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, फिर ये अपनी एक कुर्बानी देता है, एक नाइट्रोजन से मुकम्मल इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ इसको खींच लेता है नाइट्रोजन को, क्योंकि इसको अब पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो है हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है यहाँ पर। जब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन की मदद के लिए ये फौरन ये वाला ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है इसको, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन जो इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। ये देखिए OH यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर देखिए अब NH2 बन जाएगा, यहाँ पर जो है OH पर OH2 आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस आ गया। प्लस क्यों आ गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये वाटर बनेगा, और ये वाटर बेटा आपको पता है बेहतरीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ से बेटा देखिए वाटर जो है, अब यहाँ पे आगे देखिए यहाँ से वाटर जो है वो लीव करेगा, और जो ऑक्सीजन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ भेज देगा, यहाँ पर आकर वो बॉन्ड बनाएगा। ये हमारे पास देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, NH2, और यहाँ पर वाटर जो है ये एलिनी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास था टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ इमाइड्स। इसी तरह आगे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड है। देखिए बेटा एनहाइड्राइड का मतलब है वाटर का निकलना। यहाँ पर मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, देखें CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये OH है, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। यहाँ पर भी बेटा हमारे पास ये देखिए CH3 है, इसको मैं यूं लेकर हूँ, C है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये भी क्या है OH है। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये होगा कि ये एक OH देगा एक H देगा, ये हमारे पास वाटर लीक हो जाएगा इस एज सच। और ये किसी मौजूदगी में होगा, हम P2O5 भी लिख सकते हैं या H2SO4 की मौजूदगी में भी ये हो सकता है। देखिए जब हम इसी को करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, देखिए बेटा ये CH3 है, ये वाला CH3 आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड
देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे यहाँ पर भी CH3 थ्री डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे भी CH3 थ्री डबल बॉन्ड हुआ है। ये देखिए बेटा ये इथेन है, ये इथेनोइक एसिड जो है वो हमारे पास इथेनोइक एसिड अपना इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड जो है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है क्या हो गया बेटा रिमूव हो गया है, ये हमारे पास इथेनोइक अपना एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अच्छा बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी जिसकी ऐसे रिएक्शन जो हमने पहले डिस्कस किए थे, पहले OH ग्रुप इन्वॉल्व था, फिर OH ग्रुप इन्वॉल्व था, अब पूरा के पूरा जो है कार्बोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है हमारे पास है। ये सी डबल ओ OH आ जाएगा, इसकी जो है ये जो इन्वॉल्व होता है इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होती है, इसकी रिडक्शन होती है। बेटा रिडक्शन ये दो तरह से होती है, एक होती है पार्शियल रिडक्शन होती है और एक होती है कंप्लीट रिडक्शन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्शियल रिडक्शन की बात करते हैं। देखिए बेटा ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन आप लोगों को पता है रिडक्शन का, याद होगा हमने पढ़ा था, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ नंबर वन है रिमूवल ऑफ हमारे पास है ऑक्सीजन है और एडिशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसी तरह जो है ना हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो ऐड करना है ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन थी रिडक्शन। अब देखिए यहां पर जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास है ये पार्शियल रिडक्शन है, यानी पार्शियल रिडक्शन से मतलब ये होगा कि यहां पर इसकी मुकम्मल जो है ऑक्सीजन की रिमूवल नहीं होता। देखिए हम करते हैं, ये देखिए हमारे पास है एसिटिक एसिड।
तो आज हम एसटी के सीट की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारे पास है। ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में इथाइल अल्कोहल में अब देखिए ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, देखिए CH3 है, CH इधर लगा दे, इधर लगा दे, OH है। देखिए यहां से रिमूव होगा वाटर होगा, ये K2Cr2O7 की मौजूदगी में और H2SO4 आपको पता है बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां से हमारे पास ये वाटर निकलेगा, बाकी सी डबल बॉन्ड हो और H बन जाएगा, ये एसीटाल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत चीज हो गई बेटा एसीटाल्डिहाइड। अब एसीटाल्डिहाइड की फिर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये भी उसी की मौजूदगी में होगा। हमारे पास है K2Cr2 है, O7 है, H2SO4 की मौजूदगी में होगा ये सारा काम है। ये हमारे पास देखिए इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीजन इसके साथ आकर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये ऑक्सीजन जो समझिए आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और OH बन जाएगा। ये था हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन था। दूसरा देखिए बेटा हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एटाइल है। इथाइल एटाइल का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, देखिए CH3CN है हमारे पास है, इसको अगर मैं यूं लिखना चाहूं देखिए CH3 है, C है, ये देखिए ये हमारे पास N है, नाइट्रोजन है, तो मैं ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए तीन बार बना लिया। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब जब ये जो है हाइड्रोलिसिस के साथ वाटर की मौजूदगी में ये काम हो रहा है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, तो ये ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर मौजूद है, जब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पर पाई एनर्जी आ जा रहा है, तो इसकी फौरन मदद के लिए कौन पहुंच जाता है, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन की मदद के लिए पहुंच जाती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा और NH2 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास दो हाइड्रोजन है, हमारे पास NH2। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास CH3 है, CN है, आगे CH3 C डबल O NH2 बन जाएगा, हिमायत बन जाएगा जो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया। अब देखिए इसकी फिर जो है हिमायत जो है इसकी मजीद हाइड्रोलिसिस होती है उसी की मौजूदगी में। ये देखिए ये एसिड की मौजूदगी में होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है हमारे पास है। देखिए ये प्लस OH है, नेगेटिव OH हमारे पास है, प्लस है और नेगेटिव है, ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा OH है। ये देखिए क्योंकि इसके ऊपर ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, तो ये क्या आ जाएगा इस कार्बन पर पार्टनर चार्ज आ जाएगा, तो ये जो है OH ऑक्सीजन जो है इसके पास पहुंच जाएगा इसकी हेल्प करने के लिए, ये OH बन जाएगा, यहां से हमारे पास निकलेगा ये H होगा, यहां पर प्रोटॉन होगा और NH2 होगा, यहां पर ये प्रोटॉन के हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिड की मदद से, तो ये NH4 बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास था लेबोरेटरी प्रिपरेशन का। अब हम इसी के अलावा अब हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड है कि एसिटिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले फ्रॉम एसिटाइलीन है, एसिटाइलीन को हम तैयार कर रहे हैं, फ्रॉम एसिटाइलीन से तैयार कर रहे हैं एसिटिक एसिड लेना फ्रॉम एसिटाइलीन से। देखिए एसिटाइलीन का बेटा आपको फार्मूला पता है, इसे इथाइन भी कहते हैं, CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये हाइड्रोलिसिस हो रही है वहां भी, ये वाटर के साथ हमारे पास रिएक्शन होगा, ये किसकी मौजूदगी में होगा बेटा, ये 20% H2SO4 की मौजूदगी में हमारे पास होता है। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इसका टूट जाएगा, तो ये हमारे पास याद होगा बार बार रूल के मुताबिक जो है ए के पास एच आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा और OH आ जाएगा इसी। अब देखिए फिर जब दोबारा होगा यहाँ पर है, ये अपने आप को रिअरेंज करेगा, CH2 है, ये C डबल बॉन्ड है, CH है, OH है, ये जब अपने आप को रिअरेंज करेगा एक पाई बॉन्ड और टूट जाएगा, यहाँ से H2 हो गया, इधर आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड और OH बन जाएगा। जब ये CH3 एसिटाल्डिहाइड बनेगा तो इसकी फिर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, वेनियम पेंटाक्साइड की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो ये हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड है। ये हमारे पास था फ्रॉम किससे तैयार किया, हमने एसिटाइलीन से तैयार किया, ठीक। इसके बाद में अब बेटा दूसरा हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल है, ये कमर्शियल पैमाने पे जितनी भी एसिटिक एसिड तैयार की जाती है वो इथाइल अल्कोहल से तैयार की जाती है, याद होगा मोलेसेस से भी हमने पढ़ा था, तो इथाइल अल्कोहल से ज्यादातर जो है ये मोलेसेस से भी तैयार की जाती है, लेकिन ज्यादातर इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल कौन से कैसे तैयार की जाती है वो हमने डिस्कस कर चुके थे, वो मोलेसेस से तैयार की जाती है। बड़े इसकी जो है ना हमारे पास इथाइल अल्कोहल की इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये भी किसकी मौजूदगी में होती है, H2SO4 हो गया साथ है, ये हमारे पास है, मैं एसिड को नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर K2Cr2O7 है और साथ H2SO4 की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है।
देखिए इसको अगर मैं यू लिख दूं आपको समझाने के लिए, तो हमारे पास सी एच थ्री है, सी एच है, यहाँ पर ये भी एच है, ये क्या होगा बेटा ओ एच है, ये पिछला भी हमने रिएक्शन किया था सेम उसी तरह, यहाँ से देखिए बेटा वाटर रिमूव होगा, ये हमारे पास है, ये H2SO4 की मौजूदगी में ये काम हो रहा है, H2SO4 है, Ca2 है, Cr2 और O7 है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास ये स्टडी हाइड बन गया, अगर सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड O और H है, ये स्टडी हाइड की फिर हम ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए जो पिछले रिएक्शन में भी हमने किया था मेटल मेटाक्साइड की मौजूदगी, यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड O है और ये हमारे पास H है, इसके साथ फिर इसके हम ऑक्सीडेशन करेंगे। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए बेटा ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है बेटा। ये भी हमारे पास वही है H2SO4 की मौजूदगी में होगा, साथ इसमें अमोनियम पेंटाक्साइड की मौजूदगी में, या वही बात K2CR2O7 की मौजूदगी में, ये हमारे पास इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, ये हमारे पास एसिटिक एसिड की बेटा आज हमने मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस कर ली। इसके इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी कलर कैसा होता है, वॉल्यूम इसका 0.118 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि आपको पता है ये बेटा एसिटिक एसिड है, सिरके का तेजाब है, तो इसी का मिलकर ऑर्डर जैसे इसका ये इसकी स्मेल होती है, मिंगल जैसे सिरके जैसी होती है, सॉल्ट टेस्ट है। ये बेटा 17 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा ये आइस की तरह फ्रीज हो जाता है, जैसे बर्फ होती है वैसे ये फ्रीज हो जाता है, इसी वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद ये अल्कोहल में, वाटर में, हर तनासुब से हल हो जाता है, यानी अल्कोहल के अंदर, वाटर के अंदर, हर मिश्रण से हल हो जाता है। इसके बाद बेटा इसके उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी, पहले केमिकल प्रॉपर्टी अपना बेसिकली हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टी सारी इसी की केमिकल प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमारे पास इसकी यूजेज है बेटा, ये रबर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, उसको साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह है, पॉलीविनाइल है, एसीटेट उसके भी तैयारी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लोकल एजेंट है ये, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह के लिए भी इसको हम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसीटोन वगैरह की भी इसकी तैयारी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह कल जो है अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू